तो अभी हम सभी अपने तीनों स्वरूप साकारी, आकारी और निराकारी, इन तीनों स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। तो अभी 5 मिनट हैं, तो हम सभी योग करेंगे। सभी अपने मन को बाहर की सब बातों से समेट लें और अपने आप को अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं आत्मा, भ्रिकुटि के मध्य मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूँ। इस सृष्टि नाटक पर हीरो पार्ट बजाने वाली स्वयं भगवान के द्वारा चुनी हुई पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। बाबा के नैनों का सितारा, बाबा के गले का हार हूँ। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, स्वयं भगवान मुझे प्यार करते हैं, वो मुझे याद करते हैं, वो हर पल मेरे साथ हैं। बाबा मेरे लिए आया है इस संगम पर, मुझे संपूर्ण बनाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मैं आत्मा बाबा की याद में अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त होते हुए फरिश्ता स्वरूप में देख रही हूँ खुद को। पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में, देखें अव्यक्त बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा मुझे नजर से निहाल कर रहे हैं, अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि में बाबा की दृष्टि में वो अतीन्द्रिय सुख है। संपूर्ण शक्तियां और गुण दिव्य किरणों के रूप में मुझ फरिश्ते में समा रहे हैं। बाबा का वरद हस्त मेरे सिर के ऊपर है। और अपने हाथों में हाथ देते हुए बाबा ने मुझे अपनी समस्त शक्तियां, अपने समस्त गुण मुझे दे दिए। मैं आत्मा महसूस करती हूँ। मुझ फरिश्ते की चमक बिल्कुल बाबा के समान हो गई है। अव्यक्त रूप ये फरिश्ते की काया आकारी रूप ट्रांसपेरेंट हो गया है।
जिसमें मैं आत्मा स्पष्ट नजर आ रही हूँ। इस आकारी रूप को यही छोड़ मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम में। देखें स्वयं को। निर्वाण धाम ये मुझे आत्मा का विश्राम घर है, मेरा घर जहां मैं आत्मा अपने पिता के पास हूँ। इस सृष्टि के रचयिता महाज्योति सच्चित आनंद स्वरूप शिव बाबा के संग जो गुणों का भंडार है पारसनाथ अमरनाथ मेरे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु अकाल मूर्त दिव्य बुद्धि के दाता बाबा की अनंत किरणों को स्वयं में समाते हुए मैं आत्मा स्वयं को बाबा के दिल तख्त को देख रही हूँ। मैं आत्मा वापिस इस निराकारी रूप को निराकारी लोक में अनुभव कर वापिस साकार दुनिया में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाती। मैं निराकार आत्मा आकारी रूप में साकार शरीर में विराजमान। मैं निराकार सो आकारी सो साकारी स्वरूप धारी। ओम शांति ओम शांति। आशा बहन जी आप बोलने स्टार्ट कर सकते हैं। सिस्टर यहाँ पर थोड़ा सा आवाज है तो क्लियर, वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? आपकी आवाज आवाज आप सुन पा रहे हो मुझे? हाँ जी यहाँ पर थोड़ी सी आवाज है बाजू में, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही ना सुनने में? बराबर है आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी जब होगी तो बता देंगे आप। अच्छा है बहन, मैं शुरू करती हूँ। हाँ सिस्टर, आज बाप दादा ने मुरली शुरू की है कि विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। इसका दो पार्ट हो चुका है जिसका हम थोड़ा सा रिवीजन लेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे इस मुरली के लिए। विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने, इसमें बाबा ने अपनी एक एक भुजा में अपनी अपनी विशेषता है ये बताया है, और कहा कि राइट हैंड जो सदा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण हर संकल्प व हर कर्म उठावे। आगे बाबा बोलता है कि एक कृष्ण अकेला थोड़े ही राज्य करेगा, आप सभी भी होंगे ना, तो आपका भी चित्र श्री कृष्ण के साथ में है।
सच्ची सीताएं बन तकदीर के अंदर रहने के लक्ष्य में अच्छे हिम्मतवान बच्चे हैं, बाबा ने कहा है। बाबा आगे भी बताता है कि नॉलेज फुल कम होने के कारण ही रावण अपना बना सकता है, और नॉलेज फुल जो है वह न उसके आगे रावण नजदीक भी नहीं आ सकता, चाहे सोने का हो चाहे हीरे का रूप धारण करे। रावण को भी आधे आप सब आधे कल्प के मित्र बड़े प्यारे लगते हो, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाहता है। 10 भुजाओं के जोड़ से आपके लिए बहुत जल्दी से जल्दी बहुत सुंदर से सुंदर राज्य वो तैयार करेगा। किसके लिए? हम बच्चों के लिए रावण तैयार करेगा। रावण की बहुत सेना आपके लिए बहुत मेहनत कर रही है। और बाबा बच्चों के लिए कहते हैं कि जो औरों को चांस दिया ऐसे चांसलर बनने के लिए बाप दादा आप सभी बच्चों को एक विशेष गिफ्ट दे रहे हैं, ये हमने पिछले उसमें पढ़ा था। और बाबा आगे भी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया सदा पावरफुल वाइब्रेशन, पावरफुल सर्विस और सदा फरिश्तों की सभा दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं कि आप विश्व कल्याणकारी हो, न कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के आसपास के लिए। तो ऐसी सेवा हो जो कुंभकर्ण को भी जगा पाए, तो ऐसा आवाज विदेश से ही निकले और वो भारत तक पहुंचे। विदेश में हर स्थान पर ऐसे हिम्मत वाले बच्चे हैं जो भारत के कुंभकर्ण को जगाएंगे, और विदेश से ही भारत के कुंभकर्ण को जगाएंगे तो विदेश से ही आवाज निकलेगा और भारत वाले फिर जागकर। आगे बढ़ेंगे। अगले पार्ट में बाबा ने बताया कि जो विश्व शक्ति सेना है ऐसे लग रही है जैसे कि बनी बनाई है, सूरत और सीरत दोनों में शक्ति रूप दिखाई दे रहे हैं। अभी बाबा ने कहा है कि ये जो है बच्चों को रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, इस मंत्र को सहज सेवा की वृद्धि होती रहती है। तो अभी बच्चे सीख गए हैं, रिगार्ड देना भी सीख गए हैं और रिगार्ड लेने भी लेना भी सीख गए हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चों आपके पास वायरलेस सेट है ना, जो सेकंड से भी जल्दी जहां कर्तव्य कराना हो वहां वायरलेस द्वारा डायरेक्शन दे सकते हैं। ऐसा अनुभव होगा कि जो समाचार में भी आएंगे कि आज ऐसा अनुभव हुआ, और साक्षात्कार भी होगा, समाचार के द्वारा अनुभव होगा लोगों को और वो समाचार में वो बताएंगे। अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत की स्टेज ये पुरुषार्थियों की और महारथियों की होगी। बाबा कहते हैं कि इसके लिए बहुत समय देना पड़ेगा, जितना टाइम देते हैं उतनी ही खुशी की खान सबके पास भरती जा रही है। तो आपका टाइम देना अर्थात खुशी की खान भरना। अब आज की पार्ट की मुरली हम देखते हैं। विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने, इसमें बाबा ने ऑस्ट्रेलिया के भिन्न भिन्न सेवा केंद्र से आए हुए बाप दादा से मुलाकात की है और ऑस्ट्रेलिया के भाई बहनों से इसमें चर्चा है। तो हम देखते हैं कि विश्व के राज्य अधिकारी कैसे बने। ऑस्ट्रेलिया के भिन्न भिन्न सेवा केंद्रों से आए हुए भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं। ऐसे अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली अनुभव करते हो, यानी एक कदम बाबा की तरफ हम बढ़ाते हैं और उसमें हमको पद्मों की कमाई बाबा से प्राप्त होती है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप अपने आप को अनुभव ऐसा कर रहे हो, सारे दिन में कितने पदम जमा होते हैं, हिसाब निकाल सकते हो कि आप कितने कदम बढ़ाकर बाबा के पास कदम जमा करते हो। पांडव मिलकर सेवा को वृद्धि में ला रहे हैं, यह बहुत अच्छा है। सदा एक दो से संतुष्ट रहते हो, सब सदा एक मत एक रस है, यह भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक मत बाबा जैसे कि कह रहे हैं कि एक ने कहा और उसको सभी ने मान लिया और उसी रस से आगे बढ़कर उस कार्य को पूरा करने में लग गए।
बाबा आगे समझा रहे कि एक ने कहा दूसरे ने माना, यह सदा यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। बाबा से सच्चा स्नेह है और भाई बहनों का इसलिए आपस में प्यार है, तो इसका रिस्पॉन्ड है कि एक ने कहा और तुरंत दूसरे ने मान लिया, क्यों क्या कैसे के चक्कर में नहीं गए। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। संगठन एकता, जब एकता देखते हैं, इतनी एक रस अवस्था देखते हैं, तो सामने वालों का आकर्षण अपने आप होता है और उससे भी सेवा होती है। एक बाप एक मत, यही संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। एक ही हमारा पिता है, भगवान है, ईश्वर कहें लौकिक भाषा में, और उसकी एक ही मत जो होती है उसको सभी बच्चे मान्य करते हैं। यही जो संस्कार है सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। निर्विघ्न सेवा चल रही है ना, बाबा पूछते हैं, कोई खिटखिट तो नहीं है, किसी भी प्रकार की परेशानी बंधन रुकावट तो नहीं है, सेवा निर्विघ्न चल रही है। आगे बाबा कहते हैं कि जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। माया रूपी रावण उस जगह पर नहीं आता जहां सारे बच्चे एक रस अवस्था में एक मत पर एक एकता के साथ में हैं। तो एक-एक अपने को सेवा के निमित्त समझकर चलते हैं। बाबा हर बच्चे से पूछ रहा है कि हर एक अपने को सेवा के निमित्त हम है ऐसा समझकर चलते हैं। एक नहीं लेकिन हम सब निमित्त हैं, कोई एक एक बच्चा नहीं, लेकिन जो बाबा के सारे बच्चे हैं वो अपने आप को समझे कि हम निमित्त हैं। इसके लिए बाप ने निमित्त बनाया है, यह स्मृति रहे तो सफलता होती रहेगी। हम निमित्त हैं, हमको निमित्त किसने बनाया है, हमारे बाप ने हमको निमित्त बनाया है, बाप दादा ने हमको निमित्त बनाया है। अगर ये आपकी स्मृति में रहे तो सफलता होती ही रहेगी। मनन की शक्ति से स्वयं की स्टेज भी पावरफुल होती जाएगी। जब ये जो बाबा के महावाक्य हैं और बाबा की जो श्रीमत है, इन पर हमारी मनन शक्ति चलेगी, तो ये जो ज्ञान हमारे ज्ञान बाबा दे रहे हैं और उसको जब हम मनन करके अपना बना लेंगे, तो जब अपना बन जाता है तो स्थिति वैसे भी पावरफुल बन जाती है। दूसरा वाक्य है, बाबा कहते हैं, सदा अपने को निर्बंधन आत्मा महसूस करते हो, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं, रुकावट नहीं, ऐसी आत्मा अपने आप को महसूस करते हो बच्चों? किसी भी प्रकार का बंधन तो नहीं महसूस करते? नॉलेज फुल की शक्ति से बंधनों को खत्म नहीं कर सकते हो? बाबा पूछते हैं कि आपको बाबा इतनी नॉलेज देता है, इतनी श्रीमत देता है, हर परिस्थितियों में किस तरह से फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, और उसकी भी नॉलेज बाबा हमको देता है, और एक ही शब्द बताता है कि फॉलो ब्रह्मा बाप। आपको कुछ नहीं समझता है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो कि ब्रह्मा बाप ने उस सिचुएशन में किस तरह से कदम उठाया था। तो जब आपके पास इतनी नॉलेज है तो क्या उससे अपने बंधनों को नहीं खत्म कर सकते हो? नॉलेज में लाइट और माइट दोनों है ना। बाबा कहते हैं कि नॉलेज में मैं आपको ज्ञान भी देता हूँ और शक्तियां भी भरता हूं। तो नॉलेज फुल बंधन में कैसे रह सकते हैं? बाबा उदाहरण देते हैं कि जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं रह सकते, वैसे मास्टर नॉलेज फुल और बंधन, ये दोनों इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? बाबा नॉलेज फुल और उनके बच्चे मास्टर नॉलेज फुल, तो ये नॉलेज फुल है तो उनके सामने बंधन कैसे आ सकता है? बाबा हमें बता रहे हैं, नॉलेज फुल अर्थात निर्बंधन। हाँ, दोनों के पर्यायवाची शब्द है, नॉलेज फुल बोलो या निर्बंधन बोलो, बात बाबा कह रहे हैं एक ही है। बीती सो बीती, जो बीत गया वो बीत गया। कैसे? जब नया जन्म हो गया तो पास्ट के संस्कार अभी क्यों इमर्ज करते हो? बाबा कहते हैं आपने ब्राह्मण
जन्म लिया, मरजीवा जन्म लिया। मरजीवा यानी जो पुराने संस्कार थे उसको हम, उससे हम मर गए और नया जन्म लिया, नया संस्कार जब हुआ। तो आप जब नए जन्म में आ गए तो पुराने संस्कार बीते जन्मों के, पिछला जो हमारा ब्राह्मण जन्म के पहले का जन्म था, यही जन्म तो यही है, पर ब्राह्मण बन गए तो हमारा नया जन्म हुआ। बाबा कहते हैं नया जन्म, नई श्रीमत, नए विचारधारा, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पुराने ज्ञान को क्यों विमर्श करते हैं, उस संस्कार को? जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए तो बंधन कैसे हो सकता है? बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा बाप निर्बंधन है तो बच्चे बंधन में कैसे रह सकते हैं? इसलिए क्या करना है, सदा यह स्मृति में रखो कि हम मास्टर नॉलेजफुल हैं, बाबा नॉलेजफुल हमारा, और हम उसके बच्चे, उससे ज्ञान लेकर, नॉलेज लेकर हम मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तो जैसे बाप निर्बंधन, वैसे बच्चे भी निर्बंधन। अगला बाबा तीसरा वाक्य, महावाक्य बता रहे हैं, ये याद रखो कि सदा सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इतना नशा रहता है। बाबा कहते हैं कि आपके मन में ये घोट घोट कर भर लो कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी ही है, हम नहीं सफल होंगे तो कौन सफल होगा? बाबा हमको हर तरह से युक्ति बताता है, ज्ञान बताता है, उस पर मनन चिंतन करने के लिए कहता है। तो इतना इसको जब बार बार घोटोगे तो ये नशा रह जाए, नशा बन जाएगा एक तरह से। तो इतना नशा आपको रहता है, सफलता होगी या नहीं होगी ये क्वेश्चन ही नहीं है। बाबा के बच्चों के पास में ये ऐसा प्रश्न है ही नहीं, सफलता मूर्त है ऐसे नशा रहता है, ये अपने मन में मान ही लो कि हम ही सफलता मूर्त हैं। मास्टर शिक्षक हो ना बाबा, हम एक पोस्ट हमारी और बढ़ा देता है, जन्म सिद्ध अधिकार के बाद में बाबा शिक्षक तो हमें कहता है कि आप मास्टर शिक्षक हो ना। जैसे बाप शिक्षक की क्वालिफिकेशन है वैसे मास्टर शिक्षक की भी होगी ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप हमारा टीचर है और उसकी ये क्वालिफिकेशन है कि वो बाप शिक्षक है, तो बाबा के बच्चे ये भी मास्टर शिक्षक ही, इनकी भी क्वालिफिकेशन यही होगी। तो बाप समान बने हो ना, बाबा कहते हैं आप अपने आप से पूछो बच्चों कि आप बाप समान बने हो? हाँ, यह हाँ हाँ के गीत अच्छा गाती हो। बाबा केवल ऑस्ट्रेलिया वासियों से नहीं, हम बच्चों से भी कहता है कि आप लोग हाँ हाँ तो बाबा कहता है और तुरंत एकदम जोश में बाबा के साथ में हाँ हाँ के गीत हाँ हाँ कर देते हो। यार ये गीत आपने बना लिया, बाबा ने कहा और हमने हाँ कहा, यस बाबा यस बाबा। इससे सिद्ध है कि यह बाप के गुण सभी को सुनाकर डांस करती कराती हो। कुमारियों को देख करके बाप दादा बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं बाबा, आप खुद ही बता रहे हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियां त्याग करके तपस्वी आकर बने हैं। इन्होंने, कुमार और कुमारियां, अपना आगे का पूरा जीवन, अपनी सारी इच्छाएं इन्होंने त्याग दी और फिर आकर तपस्वी बने। बच्चों के त्याग की हिम्मत देख, तपस्या का उमंग देख बाप दादा खुश होते हैं। बाबा क्यों खुश खुश होते हैं? क्योंकि बच्चों ने इतनी हिम्मत रखी कि त्याग करना है, सारा सब कुछ उनके सामने क्लियर है कि अगर हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो आगे की जीवन हमें इस तरह से बितानी पड़ेगी। लेकिन फिर भी उन्होंने उमंग रखा, हिम्मत रखी और वो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, इसलिए बाप दादा खुश होते हैं। बाप की महिमा तो भक्त करते हैं लेकिन बच्चों की महिमा बाप करते हैं, भक्त लोग बाप की महिमा करते हैं उनको भगवान करके। लेकिन ऐसे जो बच्चे बाबा के हैं उन बच्चों की महिमा बाप करते हैं। बाबा कुमार कुमारियां और अपने इन सभी बच्चों की महिमा करते हैं। कितने जन्म आपने माला सिमरण की, बाबा पूछते हैं कि आपने कितने जन्मों तक भगवान के नाम की माला, जब भक्ति करते थे तो उस समय कितनी माला सिमरण करते थे, सभी आत्माओं का यह अनुभव होगा।
अभी बाप रिटर्न में बच्चों की माला सिमरण करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि उसका मैं फल अभी रिटर्न कर रहा हूँ, आपको वापस में दे रहा हूँ, और मैं अपने बच्चों की माला सिमरण करती हैं। आप लोग देखते हो किस समय बाप माला सिमरण करते हैं। बाबा देख कह रहे हैं कि आपको पता है, आप देखते हो कि बाबा कब माला सिमरण करते हैं अपने बच्चों की, अमृत वेले। अमृत वेले जब प्रातः काल हम बाबा को इमर्ज करते हैं और बाबा की याद में बैठते हैं, तो उस समय बाबा भी अपने बच्चों की, अनन्य बच्चों की माला सिमरण करता है। तो जिस समय बाबा माला सिमरण करते, उस समय आप सो तो नहीं जाते हो। बाबा पूछते हैं बच्चों से कि जब बाबा अमृत वेले बच्चों की माला सिमरण करते हैं, तो आप अमृत वेला करते हो या आप उस समय सोते रहते हो। शक्तियां तो सोने वालों को जगाने वाली हैं। बाबा ब्रह्मा कुमारी उसे कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारी शक्तियां हैं, और ये जो सो रहे हैं अज्ञान की नींद में, वास्तव में नहीं, जो अज्ञान की नींद में सो रहे हैं, जिन्हें अमृत वेले का महत्व ये जानकारी नहीं है, तो वो खुद जब दूसरों को जगाती हैं, तो वो खुद कैसे सोएंगी। रिजल्ट अच्छी है, सर्टिफिकेट मिलना भी लक है। बाबा इस तरह का जो हमें सर्टिफिकेट दे रहे हैं ब्रह्मा कुमारियां की, कि वो दूसरों को जगाने वाली हैं, तो खुद कैसे सोएंगी। तो बाबा कहते हैं कि ये इस तरह का जो सर्टिफिकेट बाबा दे रहे हैं, ये भी आपका भाग्य है। ऑस्ट्रेलिया वालों को अच्छा सर्टिफिकेट मिल रहा है, केवल ऑस्ट्रेलिया वालों को नहीं, हम सभी बच्चों को बाबा दे रहे हैं। अपनी फुलवाड़ी को निश्चय और हिम्मत के जल से सींचते रहने से वृद्धि को पाते रहेंगे। बाबा कहते हैं कि ये जो फुलवाड़ी है, बाबा की लगाई हुई फुलवाड़ी, हम बच्चों ने भी जिन जिन आत्माओं को ज्ञान में लाया है या जो आई हैं, उनको केवल लाकर छोड़ दिया ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनमें निश्चय और हिम्मत के जल से उनको सींचते रहना है, तो वृद्धि को पाते रहेंगे, तभी वो इसमें अमर बने रहेंगे, और बच्चों को लाने के वो आत्माएं भी निमित्त बनेंगी, वृद्धि होती रहेगी। और इस तरह से बाबा जो बच्चों को ज्ञान देने के लिए आया है, कलयुग को सतयुग बनाने आया है, तो इन बच्चों की वृद्धि होती रहेगी। बाबा ने निर्मला बहन को याद किया है। निर्मला बहन मुंबई की डॉक्टर थी, और 1-2 साल पहले ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, तो बाबा उनको कह रहे हैं कि बाप दादा जितनी भी महिमा करे उतनी कम है। निर्मला बहन का फोटो यहाँ पर दिया गया है, सभी भाई बहन देख सकते हैं, जिनको पता है और जिनको नहीं पता है वो इनको देखें, ये है निर्मला बहन जो बॉम्बे की डॉक्टर हैं। तो बाबा इनके विषय में कह रहे हैं कि जितनी महिमा करे उतनी कम है, ऐसे महिमा योग्य रतन हो। बाबा कह रहे हैं कि इतनी ऐसी रतन हो, इतनी स्पेशल खास रतन हो, जिसकी महिमा जितनी भी करे उतनी कम है। जैसा नाम है वैसे निर्माण चित्त के गुण से विजयी बनी हो। निर्मला, निर्मल यानी स्वच्छ, धवल जिसे कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि नामानुपार, नाम के अनुसार आपका गुण भी है, आप निर्माण चित्त के गुण से विजयी बनी हो। मान सान की कोई इच्छा नहीं है आप में, सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, दोनों शक्तियां के आधार पर सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया है। बहन की खासियत बाबा बता रहे हैं कि इन्होंने सहन शक्ति इनके अंदर और सामना करने की शक्ति, इन दोनों को आधार बनाकर इन्होंने एक मिनट सर्व स्थानों को निर्विघ्न बनाया, जो बाबा के सेंटर थे और भी। तो बाप दादा प्रत्यक्ष फल को देखकर बहुत खुश हैं। जो बाबा को बहन ने रिजल्ट में अपने जीवन का और जहां पर भी रही उनको निर्विघ्न बनाया, ऐसा प्रत्यक्ष फल जब बाबा के सामने आया, तो बाबा बहुत खुश हैं। इसलिए सदा विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो। निर्मला बहन को बाबा कह रहे हैं कि सदा आप विशेष आत्माओं की लिस्ट में हो, आप विशेष हो, बहुत खास हो बाबा के लिए। सदा पाप की मदद मिलती रहती है और मिलती रहेगी, कि वो मिली नहीं रही, बाबा एडवांस में बता देना कि आपको ये मदद हमेशा मिलती ही रहेगी। विशेष बच्ची के मस्तक पर सदा
सदा बाप का हाथ है। यहाँ चित्र भी दिया गया है कि निर्मला बहन के मस्तक पर बाबा ने हाथ रखा है। तो ये बाबा का हाथ सभी बच्चे अपने भी सिर पर अनुभव करें कि बाबा हम लोगों को भी विशेष बच्ची बना रहा है और हमारे सर पे अपने वरद हस्त रख रहा है। सदा यही चित्र अपने पास रखना सर्वदैवी परिवार का भी स्नेह और सर्टिफिकेट है। केवल बाबा ही नहीं दे रहा है, जो दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार बाबा का है, इन्होंने भी निर्मला बहन को ऐसा प्यार दिया और ऐसा सर्टिफिकेट दिया। ये निर्बंधन है, केवल स्वयं ही निर्बंधन नहीं है और आत्माओं को भी इन्होंने निर्बंधन बनाया और बाबा की महिमा की पात्र बनी। इनके गुणों को जानकर हम भी इस तरह से बाबा जो इनकी महिमा करने करते हैं इतनी कि कह रहे हैं कि जितनी महिमा करे उतनी कम है। तो इन बहन के गुणों को बाबा ने खास बता दिया कि सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति ये इनमें असीम थी और इसके आधार पर ही ये निर्बंधन भी बनी और जहां पर ही उस वहां पर भी निर्बंधन बनाया। ऐसा प्रत्यक्ष फल बाबा को दिखाया और बाबा इस तरह से हम बच्चों को भी ये उदाहरण देकर बता रहे हैं कि बच्चों आप भी इस तरह का गुण धारण करोगे तो ये बहन जो बनी इस तरह से आप भी बनोगे। और आप बच्चों को बाबा साथ में सदा साथ में भी है और आपको हमेशा मदद दे रहा है और आगे भी बाबा वायदा ही कर रहा है कि मदद मिलती ही रहेगी। तो ऐसा सर्टिफिकेट भी स्नेह का दे रहे हैं और स्नेह भी दे रहे हैं और सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। तो इस तरह से बहन के जीवन के आधार पर हम भी अपने जीवन में इस तरह के परिवर्तन ला सकते हैं। तो केवल स्वयं के लिए नहीं अन्यों को भी इसका लाभ होगा। आगे हम लोग मुरली का सार देखते हैं। अभी के अधिकारीपन के संस्कार 21 जन्म तक चलेंगे। अभी बाबा बता रहे हैं अभी के राज्य अधिकारी ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। और दूसरा सार बिंदु है जैसे रात दिन इकट्ठा नहीं रह सकते वैसे मास्टर नॉलेजफुल और बंधन दोनों इकट्ठा नहीं हो सकते। नॉलेजफुल की शक्ति से बंधनों को खत्म करो। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और इसके बाद भी मुरली के पॉइंट सभी भाई बहनें शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। आज क्या बताया बाबा ने, क्या समझा आपने, सभी शेयर करें। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, बाबा ने आज निर्मला बहन को याद किया ना। वो अंदर बाहर निर्मल थी ना, इसके लिए उसको याद किया। वैसा हमें भी रहना चाहिए, हमें भी वैसी सेवा करनी चाहिए, मैपन का भाव नहीं आना चाहिए। ओम शांति। जी बोलिए तारा बहन जी। ओम शांति विवेक। तो बाबा ने कहा कि जब हम एक एक ने जब कुछ कहता है फिर दूसरा ने सुनता है और उसको मान लेता है तो संगठन में सेवा करने का एक साधन बन जाता है। और जब हम एक मत और एक रस में रह करके निर्विघ्न भाव से सेवा करते हैं निमित भाव से, और स्मृति में यही रहे कि बाबा हमें निमित्त बनाकर सेवा करवा रहा है, तो ये सफलता सफलता होती, हमें सफलता मिलती है कि बाबा करवा रहा और हम केवल निमित्त भाव से सेवा करते हैं बन करके।
ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, बाबा बोला रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, इस मंत्र से सदा स्व सेवा की वृद्धि होती रहता है। रिगार्ड देना ही लेना है, सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से ही मिलेगा। ओम शांति। जी बोलिए दीप्ति बहन जी। जी ओम शांति। तो आज एक तो बाबा ने मनन शक्ति के लिए रोल खेला है, तो मनन शक्ति का जी अपनी स्टेज पावर से दी जाएगी। जैसे बाबा ने उस दिन साकार मिली मुरली में भी कहा था कि जो मनन एक शक्ति है। जी मिनट बंद कीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओम शांति दीदी, अभी सुनाई दे रहा है। नहीं आ रही, कुछ डिस्टरबेंस है शायद फोन में। बोलिए नेक्स्ट। राजेंद्र भाई जी आपने अनम्यूट किया, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम बाबा शांति कहते हैं बोलिए। नॉलेजफुल और बंधन एक साथ कैसे रह सकते, जैसे कि रात और दिन इकट्ठा नहीं रह सकते, तो नॉलेजफुल और बंधन भी इकट्ठा नहीं रह सकते। तो बाबा कहते हैं जब अपने आप को नॉलेजफुल कहते हो, तो अपने पुराने और पास्ट के संस्कारों को इमर्ज क्यों करते हो? वही नॉलेजफुल की शक्ति से आप सभी बंधनों को खत्म कर सकते हो। तो नॉलेजफुल बन अपने आप को इस सभी बंधनों से मुक्त करना है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। ओम शांति। जी बोलिए कैलाश पंत। आपकी आवाज नहीं हेलो, आ रही दीदी आवाज? है। हेलो। हाँ जी अब आ रही है, बोलिए। तो हमें बाबा का सहयोग का साथ और आशीर्वाद का हाथ, सहयोग माना बाबा जो शक्तियाँ देते, जो मदद करते, और जो बाबा के श्रीमत है यही बाबा का आशीर्वाद का हाथ है, तो इसका हमें निरंतर अनुभव करना है। ओम शांति। जी मेघा बहन जी आपने हैंड रेस किया था, बोलिए। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। जब हम मुरली में इनके बारे में जैसे वो सॉरी सॉरी सिस्टर ब्रेक हो रहा है। नेक्स्ट बाबा होगा। ओम शांति। जी और किसी को शेयर करना, और क्या बताया बाबा ने आज मुरली में। बाबा नहीं, अभी भी नहीं आ रही है, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। शायद आप रीजॉइन करिए एग्जिट होके। और क्या बताएं बाबा। अभी आवाज बाबा क्लियर है सिस्टर, कल्पना हाँ जी सिस्टर। बोलिए। हाँ जी हाँ जी बोलिए। तो बाबा ने अभी मुरली में निर्मला बहन जी के बारे में बोला है ना कि वो महिमा योग्य है क्योंकि वो निर्माण चित्त है, उनके गुणों से वो विजयी हुए हैं। और जो बाबा ने दो शक्तियों के बारे में बोला है वो तो एक तो एक सहन शक्ति और दूसरी है सामना करने की शक्ति। दोनों शक्तियों का आधार लेकर वो सर्व स्थानों पर निर्विघ्न कार्य करने के लिए विजयी बने हैं। तो हमें भी जी उनके जैसा निर्मल निर्माण चित्त और सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति। तो सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति, ये कैसे हमें निर्विघ्न बनाती है, तो शेयर करेगा बाबा। ने तीन दो शक्तियों की बात की और एक गोल की बात की लास्ट में, कि निर्माणता से विजयी। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने सहनशीलता के बारे में यही बोला है कि जो सहनशील होते हैं वो शहंशाह बनते हैं।
निर्विघ्न कैसे रहते हैं? ओम शांति। हाँ, ओम शांति बोलिए। बाबा ने यही बताया है, तो सहन शक्ति और समान के शक्ति से आधार पर ही सर्व स्थानों पर निर्विघ्न रहते। सामना करने की शक्ति। आपको किसी और को शेयर करना है, कोई और बताएगा? बाबा ने आज मुरली में बात की है बंधनों की, निर्बंधन। तो कौन कौन से तरह के बंधन होते हैं जिनसे हमें स्वयं को निर्बंधन बनाना है? कितने तरह के बंधन होते हैं? बाबा ने कहा आप मास्टर नॉलेजफुल हो। जी बोलिए गौरी बहन जी। मोह का बंधन सबसे पहले है। सबसे पहले तो देह से मोह का बंधन है, और बाकी जो करीब के रिश्तेदार है उससे, बच्चे से ज्यादातर रहता है। और अगर नॉर्मल कंडीशंस हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुछ परिस्थिति आती है तब ज्यादा वो महसूस होता है। अच्छा, परिस्थिति तो हर एक के लिए अलग अलग है, और हर हाँ एक आत्मा की जो सेम परिस्थिति भी हर एक आत्मा को अलग अलग महसूस होती राइट। हाँ एक्चुअली, है और ना? सूक्ष्म में हाँ, भी बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी रहती है कि जो जी ज्यादातर बड़ी बड़ी चीजें हो उसमें हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म में थोड़ा थोड़ा बंधन रह जाता है। तो उसमें एक्चुअली वो भी थोड़ा आप गाइड करेंगे क्या कि क्या करें उसके बारे में? कि अब कई बार कैसे होता है कि मतलब अगर बड़ी बड़ी चीजें रहती है, जैसे कुछ अगर उसको हो गया तो उस टाइम तो बहुत ज्यादातर ये पड़ता है कि नहीं, मेरा बंधन बहुत ज्यादा है उसकी तरफ। उसकी तरफ मतलब किसी की तरफ, जो अपने मोह के बंधन है उसकी तरफ। हेलो, आवाज आ जी रही है ना मेरी? जी हाँ जी, आवाज आ रही है। तो कुछ क्या क्या बंधन है? जैसे आपने बताया देह का बंधन, फिर आपने हाँ, बताया संबंधों का बंधन, और कौन से बंधन होते हैं? सभी शेयर करें। हर एक को अपने अपने बंधन अलग लगते होंगे। सूक्ष्म में किसी को स्थूल बंधन होगा। वेस्ट संकल्पों का बंधन है, पुरानी जरूर दुनिया की बातों का कनरस सुनना ये भी अच्छा लगता है, वो भी बंधन है। कभी कभी जी, एक्चुअली अलबेलापन, आलस से आ जाता है, करेंगे देखेंगे, बाबा कहते ये भी माया का सूक्ष्म बंधन है और किसी को। बहुत बार हाँ सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, बहुत बार कैसे होता है कि लौकिक में ऐसे होता है कि जो अगर कोई ज्ञान में नहीं है तो वो थोड़ा व्यर्थ चिन्ह अगर उनके हो गए तो हम भी उसमें आ जाते हैं। था, कोई बात नहीं, मैं ही शेयर करना चाहता था कि लौकिक में रहते अकेला ज्ञान में चलता है तो उनकी बातें सुननी पड़ती है, नहीं सुना तो फिर ज्ञान में ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या। तो ये सारे बहुत सारे बंधन है। बाबा कहते हैं इन्हें नॉलेजफुल बन, माइट माना शक्ति से उसको खत्म करो, बहुत ही समझदारी से खत्म करना है। जी बोलिए नीलम बहन जी, हैंड रेज किया है। जी ओम शांति दीदी। सबसे बड़ा बंधन मन का बंधन है। जब हमें नॉलेज मिल गई पूरे ज्ञान की, तो जी हमें जब ज्ञान मिल गया तो बाबा ने हमें कौन सी ऐसी बात है जिसका बंधन से मुक्त होने के लिए हमें नहीं बताया है? तो जब हम बाहरी परिस्थितियों को देखते भी हैं तो यदि हमारा मन पावरफुल है तो हम उस बंधन को किसी ना किसी युक्ति से कैसे भी हम उसको निर्बंधन हो जाते हैं, और उसमें हमारी जो शक्ति है इतनी स्पष्ट हो जाती है कि ये ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, वाकई ही इनको हमें बंधन डालने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा मेरा बन जी बहुत अच्छा, बोलिए तारा बहन जी। दीदी। और कभी कभी शरीर का भी बंधन रहता है ना, कभी कभी लोग के शरीर इतना
जिसे आत्मा के संग नहीं दे पाता, शरीर में इतना रोग बीमारी रहता है, तो जितना करना चाहते बाबा के संग रहना चाहते, लेकिन शरीर का जो दुख है वो टेक ओवर कर लेता है, पीरा दर्द की तरफ बुद्धि चली जाती है, तो ये भी एक बंधन सा हो जाता है, ऐसे लगता है मुझे। जी बोलिए कैलाश भाई जी। जो हम लोगों ने त्रिहट जन्म भिन्न भिन्न संस्कारों के अधीन रहे हैं, तो जब ज्ञान मार्ग में चलने लगते हैं तो ये संस्कार भी अपना सिर ऊपर निकालते हैं, तो ये भी बंधन बन जाता है। इसमें जैसे बाबा ने कहा कि लाइट और माइट नॉलेज के हमें मिली है, तो उसको यूज करके बंधनों को काट। जी बोलिए गौरी बहन जी। हाँ, ओम शांति। एक्चुअली मैंने अभी ये चीज इसीलिए बोली थी कि करीबी रिश्तेदार, मतलब मेरी मम्मी को आज थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो उनको देख के थोड़ा मुझे ये लगा कि क्योंकि अभी तक खुद को आत्मा समझना थोड़ा आसान रहता है, दूसरों को आत्मा समझना थोड़ा मुश्किल जा रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा वो बंधन में आ जाती हूँ। तो उसके लिए मैंने ये बीच में भी बोला था मैंने कि एक्चुअली इसके लिए मुझे थोड़ा गाइडलाइन चाहिए कि अगर, क्योंकि अभी आज सुबह वो हो गया तो मेरा थोड़ा ये हो गया था, पहली बार मैंने उसको बीमारी में देखा, तो उसकी वजह से थोड़ा ये हो गया था मेरा। जी तो चैट में भी शेयर किया है, बहुत अच्छा, सेवा का बंधन। शेरू भाई जी ने बहुत अच्छा शेयर किया कि ये वाली सेवा मुझे चाहिए, ये मैं अच्छे से कर सकता हूँ, तो ये भी सेवा का बंधन होता है। दूसरा साधनों का बंधन, हमें ये साधन मिले तो हम कर पाएंगे, तो साधनों का भी बंधन होता है। ठीक है, जैसे आज ये जूम ही लगा लो, जूम है तो हम मुरली को पढ़ेंगे, उसका चिंतन करेंगे, अगर ये नहीं चल रहा है, नेट प्रॉब्लम है या कुछ भी है और हम तब नहीं करेंगे, तो वो भी क्या एक बंधन है, उसके अलावा नहीं करेंगे, यही चाहिए। तो हर चीज का जो है वो बंधन है। तो कई बार हम लौकिक ही नहीं, जैसे संबंध की आप बात करें, अलौकिक में भी हमारा कई बार बंधन हो जाता है कि ये आत्मा मिले इसके साथ ही हमें मुरली का चिंतन करना है, या इसके साथ ही हमें बैठ के योग करना है, या इसके साथ ही हमें मधुबन जाना है, या इसके साथ ही हमें रहना है, तो वो भी एक अलौकिक संबंध का भी बंधन हो जाता है कि यही आत्मा पसंद है, या यही दीदी सुनाई मुरली, तो ये भी बंधन है। तो बहुत सारे बंधन हैं जो हम सबको, हर एक का बंधन कहाँ कहाँ हावी रहता है वो हम सबको देखना है। तो बाबा ने क्या बताया है, हम सब क्या है, नॉलेजफुल, सारा ज्ञान बाबा ने दे चुके हैं बाबा। तो वो ज्ञान, जैसे कि अभी शेयर भी कर रहे थे सभी, ज्ञान क्या है, लाइट है और माइट है, दोनों नॉलेज में हमें लाइट और माइट दोनों मिलती है। तो नॉलेज से हमें जो भी आपके बंधन है उसको हम कैसे दूर करें, उसका नॉलेज भी मिलता है और शक्ति भी मिलती है। तो सभी अपने बंधनों को, जो भी आपके सूक्ष्म में बंधन है या स्थूल में जो बंधन है, वो बाबा के ज्ञान को, बाबा के ज्ञान के चिंतन से जो बाबा ने दिया है, और उसको अपने जीवन में लाकर धारण करके हम शक्ति लेकर उसको दूर कर सकते हैं। तो पोल लॉन्च हुआ है, सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो अभी समय भी हुआ है, आशा बहन जी आप हम सबको होमवर्क देंगे, लास्ट में 1 मिनट योग भी कराएंगे। जी आप, ओम
बाबा ने जैसे कहा, उदाहरण दिया, उदाहरण देकर बाबा ने समझाया कि रात और दिन एक साथ में नहीं रह सकते, ऐसे ही नॉलेजफुल बच्चों के सामने बंधन आ नहीं सकते। तो कल का एक दिन हमें इतना ही ध्यान रखना है दिन भर कि हमारे सामने जो बंधन आ रहे हैं उसमें हम कितना नॉलेजफुल बनकर उस बंधन को आने के पहले ही खत्म कर पा रहे हैं। कल का होमवर्क यही रहेगा कि अपने को निर्बंधन बना कर भी रखना है। ओम शांति। सभी बाबा को सूक्ष्म और तन्मय बाबा को याद करेंगे। एक मिनट, पुनः अपने बेटे के सिंहासन पर रहेंगे। ओम शांति। थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। उतना ही करके सभी बाबा को अपना चार्ट देखकर बाबा की गोद में सो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा शुक्रिया।